लागू होने इतना समय हो गया है, लेकिन हम लोग संविधान को मानते हुए हम अपना कार्य जो भी अपना करते हैं मानते हैं, जैसा कि इस देश की शासन सत्ता है जो भी है वो उनके हाथों में, हमारे हाथ में क्या है, लेकिन कम से कम हमें बाबा साहब ने इतना हक दिया, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उससे हम आगे बढ़े और इसी संविधान की बदौलत हम लोग शिक्षित बने और आज उसी शिक्षा के माध्यम से ये समाज आज एक बोलने लायक है एक मंच से और अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर अच्छे अच्छे पदों पर हैं, वो सब इसी संविधान की बदौलत है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए जहाँ जहाँ मतलब जो ना आज संविधान दिवस पूरी दिल्ली के अंदर 26 तारीख को चारों कोने में मनाया जा रहा है और ये दिल्ली में ही नहीं है पूरे भारत में सभी जगह बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जन चेतना जाग रही है, समाज जाग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाग रहा है, समझ रहा है कि कितना शोषण हो रहा है भारत में, इतना शोषण, ऐसा शोषण हमने कभी भी नहीं देखा जितना शोषण अब हुआ है। तो देखिए हमें ये मिशन आगे ले जाने के लिए हर संकल्प लेना चाहिए और हर संकल्प लेकर ही तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास कलम है, कलम की ताकत है, ज्ञान की ताकत है, लेकिन हम किसी से युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि बाबा साहब ने भी युद्ध किसी से नहीं किया, बुद्ध ने भी किसी से युद्ध नहीं किया, हमारे भारत में जितने भी हमारे महापुरुष हुए सबने अपनी वाणी के माध्यम से अपने 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 दिलों के अंदर उन्हें समो लिया। तो आज यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जो डॉक्टर साहब हमेशा करते ही रहते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब के लिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं डॉक्टर साहब के लिए मंगल कामना करता हूँ और आज के कार्यक्रम के लिए भी मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ और आए हुए अतिथियों के लिए भी मैं सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ।